बट स्टे अब वो क्या वो स्टूडेंट जो टीचर होता है वो अपनी मर्जी से एक्चुअली नहीं पढ़ा रहा होता, वो किसकी मर्जी से पढ़ा रहा होता, वो स्टेट की मर्जी से पढ़ा रहा होता है या उस स्कूल की या उस कॉलेज की जो अथॉरिटी होती है उसके तहत पढ़ा रहा होता है. एंड फॉर हिज ओन सर्वाइवल द टीचर मस्ट प्ले द पैक विच द स्टेट कट्स आउट फॉर हिम इन हिज टास्क. According to Russel, the most important function of our teacher is to inculcate in his pupils beliefs which are wise and sensible. Russel ये कहता है कि teacher जो है उसको inculcate करने चाहिए अपने जो शागिर्द है उसके beliefs को जो कि wise भी हों और sensible भी हों. In his mature opinion, in antiquity as well as during the Renaissance, teachers had comparatively greater freedom. But in modern times, this freedom and self-determination exist only at a handful of great historic universities. The teacher of today is not expected to teach what he believes to be right. आज के दौर में उस्ताद जो है वो चीज नहीं पढ़ाना पसंद करता जो उसके हिसाब से सही है. वो पढ़ाता है जो वक्त की जरूरत है, जो अथॉरिटी चाहती है कि भाई मेरे ऊपर वाला जो मेरा डीन है, कॉलेज का डीन है, यूनिवर्सिटी डीन है, वो किसी तरह खुश हो जाए. But only what his employer decide that he should teach. लेकिन वो पढ़ाता है जो कि उसके employer जो हैं, यानी कि जो उस teacher के सर पे बैठे हुए होते हैं, जो वो पढ़ाना चाहते हैं. This attitude can never produce good thinkers of a nation as well as of the world. और ये attitude कभी भी good thinkers of a nation produce नहीं कर सकती as well as of the world. A teacher should remain aloof from the strife of political parties. उसको एक teacher को हमेशा इन political parties से बिल्कुल अपने आप को किनारा कश कर लेना चाहिए. He should be neutral and impartial in his teaching. उसको neutral और impartial होना चाहिए. Russel thinks that the teacher's real functions lies in letting the child develop his inborn faculties and encouraging the kindly impulses that are latent in him. Otherwise, the rewarding of natural impulses can breed cruel and selfish urges in the child and make him grow up into a criminal or an antisocial creature. Russel ये कहता है कि teacher का जो real function है वो ये है कि वो child के अंदर उसकी inborn जो faculties होती है ना उसको develop करे और उसको encourage करे, the kindly impulses. मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, आपको बड़ी हैरानगी होगी ये सुन के. मेरे पास ना एक student आई, आज से 2 साल पहले की बात है, तो उसने मुझे कहा कि मैम मैं ना एमए इंग्लिश लिटरेचर करना चाहती हूँ. मैंने कहा व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई आर यू, मतलब मुझे ये चीज़ फील हुई उसके अंदर कि जैसे ना वो बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए फ्रस्ट्रेटेड लेडी है ना, ठीक है, शी हैज़ लॉट्स ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दिस दैट. मैंने कहा बेटा रीज़न क्या है? उसने मुझे कहा कि मैम चक्कर ये है कि मैं कमाना चाहती. मैंने कहा अच्छा, सिर्फ कमाने के लिए तुमने एमए इंग्लिश लिटरेचर करना है? कहती जी मैम. मैंने कहा मुझे ये बताओ तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं. तो जाहिर बात है उसके एक छोटी बच्ची थी, उसके साथ साथ उसके बहुत सारे मेडिकल इश्यूज थे, ठीक है, उसके बहुत सारे मेडिकल इश्यूज थे. जब मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम एमए इंग्लिश लिटरेचर नहीं कर सकते, मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके अलावा तुम्हारे पास क्या क्या स्किल्स हैं. तो उसने मुझे कहा मैम मैं क्रोएशिया बड़ा अच्छा करती हूँ. मैंने कहा अच्छा वो जो कुरेशिया के सैंपल्स है ना जरा वो मुझे बना के भेजो. उसने 2-3 दिन हुए उसने ना मुझे वो बना के भेजे, ठीक है. देन फाइनली क्या हुआ कि उसने जब मुझे भेजे ना तो मैंने उसको कहा कि मैंने ना आगे व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं, मैंने व्हाट्सएप पे क्या फेसबुक पे क्या उसके वो जो कुरेशिया के सैंपल्स है ना उसको प्रमोट कर दिया. एक बच्चे को अगर जिंदगी की तरफ लाने में अगर उस्ताद कुछ कर सकता, मैं कहती हूँ करना चाहिए. ये मेरा कमाल नहीं है, आज मैं उस्ताद हूँ, ये मेरे रब का कमाल है और उसने मुझे अथॉरिटी दी है. और मेरे से हिसाब होना है कि मैंने एक बंदा मेरे पास आया था उसको मैंने सही गाइड किया था कि नहीं किया था. अगर वो मेरे पास आती 5,000 फीस आती मेरे साथ महीने की, ठीक है, लेकिन मैंने उसके अंदर देखा कि ये मेरे पास आएगी लेकिन ये मेरे पास आके भी सही नहीं रहेगी, मतलब लाइक वो सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि शी वांट्स टू अर्न. तो मैंने कहा व्हाई नॉट, जो उसके अंदर पहले से है और उसको अभी अर्निंग चाहिए, मैंने कहा जो उसके अंदर पहले से हुनर है व्हाई नॉट मैं उसको प्रमोट करूं. तो
हुआ ये कि फाइनली फिर मैंने उसको फिर बताया कि तुम इस तरीके से इसको प्रमोट करो, मैंने उसको कुछ तरीके बताए और फाइनली जब उसको उसकी प्रमोशन की मैंने, उसको जो पहला टेंडर मिला ना, पहला टेंडर मिला किसी उसने होल सेल डीलर ने उससे कॉन्टेक्ट किया और वो उसको 30,000 का मिला एंड शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने एम ए इंग्लिश के बजाय मुझे इस काम पे लगा दिया। मैंने कहा बेटा ये तो तुम्हारे हाथ का हुनर है, ये तुम्हें वो देगा जो तुम्हें एम ए इंग्लिश लिटरेचर नहीं देंगे। एंड शी इज सो हैप्पी इन क्रिएटिंग, क्योंकि उसका उसकी नेचर में क्रिएटिविटी थी, मैंने उसको क्रिएटिविटी की तरफ लगा दिया। सही है ना, जो स्टूडेंट जैसा है उसको वैसे। इसी तरह जो मैंने सेकेंड बैच स्टार्ट किया, एक लड़की आई मेरे पास, केक्स बहुत अच्छे बनाती थी, बड़ी खूबसूरत फ्रॉस्टिंग करती थी, बहुत खूबसूरत। एम ए इंग्लिश करते करते मैंने उसको कहा यार तुम इसको प्रमोट क्यों नहीं करती, प्रमोटेड प्रमोट दिस एज योर बिजनेस ना। एंड नाउ शी इज वन ऑफ द, आप कभी उसका पेज पे जाके देखें, ए एस फ्रॉस्टिंग के नाम से उसका पेज है उस लड़की का। इतनी जबरदस्त फ्रॉस्टिंग होती है और जब उसकी अर्निंग होती है इन द सीजन, लाइक दिसंबर में आपको पता है शादियां, एनिवर्सरीज, फिर वो क्रिसमस आ जाती है इस तरह, और बर्थडेज के कुछ होते हैं इसी तरह, एनिवर्सरीज के कुछ महीने होते हैं जिसमें शादियां ज्यादा होती हैं मार्च अप्रैल में, तो उसमें उसको केक्स ऑर्डर कर देते हैं वो लोग और माशाल्लाह उसकी मंथली अर्निंग जो है वो 22,000-25,000 हो जाती है और वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो दैट इज द थिंग कि जरूरी नहीं है आपको डिग्री से, स्टूडेंट सोच रहा होता मैं लाखों कमा लूंगा। मैं आपको सही बताऊं, जो अल्लाह ने आपको इनबॉर्न हुनर दिया ना, पहले उसको देखें कि आपके अंदर क्या है। ठीक है, ये जो हमारे जहन में चल गया ना कि उसने एमए इंग्लिश कर लिया, उसने एमफिल कर लिया, उसने फलाना कर लिया, मैं भी कर लूं, पहले ये देखें मेरी जो नेचर है, मैं मेरी खुशी किस चीज में। तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी का लेवल है ना आपका जो, और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की थी, ठीक है, दुनिया में 70-75% कमाई तिजारत से होती है और बाकी जो कमाई है वो बाकी रिसोर्सेज हैं, जिसमें एक जॉब भी है। तो जिस चीज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला है ना, वो कभी मतलब उसमें कभी लॉस नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े का कारोबार किया था, तिजारत की थी हजरत खदीजा के पैसों से, कभी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज कभी आप सोच, और मेरा भाई अक्सर मुझे कहता है तीन कारोबार ना कभी, तीन बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होते, रोटी कपड़ा मकान, वो कहता है ये तीन बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होते। ठीक है, तो ये वाकई बात ठीक है। तो टीचर का एक फंक्शन है कि जो उसके उसके जो शागिर्द के अंदर जो उसकी इनबॉर्न क्वालिटीज है ना, उसकी इनबॉर्न फैकल्टीज हैं, पहले उसको निकाल के बाहर लेके। इसलिए मैं खुद फोन पे बात करके मैं स्टूडेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन करती हूँ, बेटा पढ़ना क्यों है, की लोड, मतलब क्या आपको जरूरत पै गई, की लोड पै गई जिसे पंजाबी में कहते हैं कि भाई की मतलब क्या जरूरत ऐसी पेश आ गई जो आप पढ़ रहे हो, द रीजन बिहाइंड दैट। अगर तो वो मुझे कहता है मैम आई वॉन्ट टू गेन द विजडम हिकमत और ये वो मैं कुछ करना चाहती हूँ, देन इट इज ओके। लेकिन अगर वो मुझे कहती है यार पैसा कमाना है, फिर मैं कहती हूँ बेटा पैसा कमाना है तो फिर ये वाले तरीके पर देखिए, ठीक है, ये इधर से नहीं मिलना। तो ये चीजें हैं, झूठ नहीं बोलना ना किसी के साथ, जो सीधा रास्ता वो बताए पैसा किधर से मिलना, हिकमत कहाँ से मिलनी है, जब वो मुझसे पूछेगा मैं हिकमत का बता दूंगी, यहाँ से मैं देखूँ। तो ये चीजें हैं, तो स्टूडेंट को कभी भी धोखे में नहीं रखना चाहिए, दे शुड स्प्रेड एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ माइंड। ठीक है, अच्छा हाँ, फिर वो कहते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी आल्सो अफर्म्स एंड एग्रीज टू दिस व्यू पॉइंट ऑफ रसल। ये मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं, रसल स्ट्रेसेस दैट टीचर शुड एक्ट एज गार्डियंस ऑफ सिविलाइजेशन, दे शुड स्प्रेड एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ अ माइंड, अ ट्रू टीचर मस्ट राइज अबव मटेरियल कंसीडरेशंस एंड मस्ट बी द रियल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी that our civilization may vanish shortly. True teacher जो है उसको material consideration से बहुत ज़्यादा आगे सोचना चाहिए और उसको अपने must be the real safeguard against the possibility. आज हम normally, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, आप job क्यों नहीं कर लेते, ठीक है, आप क्यों नहीं, आप MPhil करें जी, आप
मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ हमेशा, इसी यही इसी के पीछे, जब वो मुझे कहते हैं कि आप एमफिल करें, आप सीएसएस करें, आप जॉब नहीं कर रही, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, मुझे पता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ करने के बाद मैं क्यों करूँ ये सब कुछ? द रीजन इज दैट मुझे क्या चाहिए, मुझे सुकून चाहिए ना. एक्चुअली हम इतना कुछ क्यों कर रहे होते हैं? सुकून के लिए कर रहे होते हैं. वो तो मुझे अभी भी मिला हुआ है, जरूर मुझे एमफिल में पंगा लेना, जरूर मुझे जॉब करनी है. ठीक है, मैं तो बड़े सुकून से बैठी हूँ. एक्चुअली वो जॉब भी हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें सुकून चाहिए, बेसिकली मेंटल सुकून चाहिए. वो तो मुझे अभी ऐसे ही मिल गया, तो मुझे फर्दर आगे डिग्री की जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. मैं किसी भी अपनी लॉजिक रीजन इम्पोज नहीं कर रही, आप जरूर आगे बढ़े. मैं अपना बता रही हूँ कि एक्चुअली मेरा एम जिंदगी का ये है कि मुझे सुकून मिलना चाहिए. वो सुकून मुझे अभी भी मिल रहा है, तो इसलिए मुझे अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अभी मैं और बहुत कुछ और कुछ ऐसी चीजें लर्न कर रही हूँ कि उसके लिए मुझे, अगर मैं जॉब करती तो मैं वो ना कर पाती. तो मेरे कुछ और एम्स हैं जो कि जॉब करने के साथ मेरे पूरे नहीं हो सकते, लाइक कुरान की जो स्टडीज है मेरी, वो मेरी जॉब के साथ पूरी नहीं हो सकती. दैट्स वाई मुझे जॉब, हालांकि ऑफर हुई थी मैं एज अ लेक्चरशिप, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था. सब कुछ हो गया था, इंटरव्यू एंड ईच एंड एवरीथिंग, बट आई हैव नॉट ज्वाइंड दैट. जस्ट के मेरे कुछ और एम्स थे जो मुझे अपने पूरे करने थे, और उसके लिए मुझे जॉब को एक साइड पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे एम्स जो पूरे, लेकिन आपके जो अपने अपने एम्स हैं आप उस पर कायम रहें. ठीक है, ये मेरा व्यू पॉइंट है. आप मेरी तरह मत बनिएगा, नहीं तो दरवेश बन जाएंगे किसी दिन. लोग कहेंगे एक सूफी बंदा बैठा, दरवेश बंदा बैठा घर. दे शुड स्प्रेड एंड प्रमोट द कल्चर. उनको प्रमोट करना चाहिए कल्चर को. कौन आंटी? वो यहाँ पे कहता है, ट्रू टीचर मस्ट राइज अबव मटेरियल कंसीडरेशन एंड मस्ट बी रियल सेफगार्ड अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी दैट आवर सिविलाइजेशन मे वैनिश शॉर्टली. ऐसी चीजों को हमें प्रमोट करना चाहिए कि हमें बताना चाहिए यार हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी अगर हम अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे. फिर वो कहता था, टीचर मस्ट राइज अबव द टेम्पटेशन ऑफ फ्लैटरिंग द प्रेजुडाइसेस ऑफ दोज इन अथॉरिटी. और टीचर जो है उनको वो जो टेम्पटेशन ऑफ फ्लैटरी, लाइक देखिए टेम्पटेशन ऑफ फ्लैटरी क्या है बेसिकली, ठीक है, वो ये है कि जी कोई मेरी तारीफ कर दे या मैं किसी की तारीफ कर दूँ. ठीक हो गया, ये टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए. या टीचर कैन बी ग्रेट ओनली इफ ही इज फायर्ड बाय पैशन टू परफॉर्म पॉजिटिव टास्क. और टीचर को कैन भी इतना ग्रेट होना चाहिए इफ ही इज फायर्ड बाय द पैशन टू परफॉर्म पॉजिटिव टास्क, कि अगर वो उसको फायर कर दिया जाए उन टू परफॉर्म पॉजिटिव चार्ज से, तो उसको उसको सर पे सवार नहीं करना चाहिए और उम्मीद भी नहीं छोड़नी चाहिए. ही मस्ट हैव फीलिंग्स टू वार्म अफेक्शन टुवर्ड्स हिज पीपल एंड जेन्युइन डिजायर टू इम्पार्ट टू देम व्हाट ही हिमसेल्फ बिलीव टू बी ऑफ द वैल्यू. या भी मैंने आपको स्लाइड में भी पढ़ाया था कि उसके अंदर वार्म अफेक्शन होनी चाहिए टुवर्ड्स हिज पीपल और एक जेन्युइन डिजायर होनी चाहिए जो कि उसको इम्पार्ट करे व्हाट ही हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी ऑफ वैल्यू. एज मैटर स्टैंड टूडे टीचर्स आर अनएबल टू डू देयर बेस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. One is that they have to overwork, which creates tired, monotonous feeling in them. Teachers should not overwork themselves as well as to compel the student to do so. Oh, student should not be prepared only for examination. They must have the thirst and hunger for real knowledge. बेटा जी आपने खाली exam नहीं देने, आप लोगों ने क्या क्या करना है? You must have the thirst and hunger. आपके अंदर knowledge की thirst और hunger होनी चाहिए. For the real knowledge, according to Russel, teacher must above all inculcate a spirit of tolerance in his people. उसके people के अंदर, उसको अपने शागिर्दों के अंदर spirit of tolerance पैदा करना चाहिए, which would enable them to bear and understand manners as well as strange people. Ignorant peer tolerance is the very reverse of a civilization. ठीक है, अगर आप ignorant tolerance जो है अगर स्टूडेंट के अंदर बिल्डअप हो जाए तो ये रिवर्स ऑफ सिविलाइजेशन, आपकी सिविलाइजेशन टूट के रह जाएगी. आप देखिए यूनिवर्सिटीज के अंदर फसाद क्यों होते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर टॉलरेंस नहीं है. ऊपर से उस्ताद भी ऐसे मिल गए हैं भाई सिलेबस कवर करा दो, आते भी लेट हैं जाते भी जल्दी हैं और फिर पढ़ाते भी कुछ नहीं है, और जो किताबों में लिखा है उसमें सिविलाइजेशन है कोई नहीं. To conclude, a teacher is the guardian of a nation.
he should impart true knowledge to the student. He should teach objective realities, being impartial and neutral. He should not surrender before state or dictator. Usko nahi surrender karna chahiye. Aapka apna viewpoint. Zaroor share karein. Positive cheezein. Dekhen beta, aaj agar main positivity aur mohabbat aur sympathy ko promote kar rahi hoon na, kal ko ye palat ke meri taraf aani hai. ठीक है, बगैर डर के, बगैर खौफ के इन पॉजिटिव एनर्जीज को प्रमोट करें. जैसे पहाड़, पहाड़ है ना, पहाड़ी वादी में जाएं, कभी आप मरी साइड में जाएं, पहाड़ के सामने खड़े होके जब आप ऊंची आवाज में बोलते हैं तो इको होके आपकी तरफ ही आता है. दुनिया कांटों से भरी हुई है, ठीक है, दुनिया भी, जिंदगी एक पहाड़, हम एक पहाड़ के अंदर खड़े हैं, एक वादी के अंदर खड़े हैं जिसके इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ है. और अगर इन पहाड़ों में हमने मोहब्बत प्रमोट कर दी ना, सिंपथी प्रमोट कर दी, सब्र, तहमुल, टॉलरेंस प्रमोट कर दिया, पलट के मेरी तरफ आना. मैंने कहा था ना, मैंने मेरे बच्चे को अगर कोई मारता था तो मैं बेटे को कहती थी कि बेटा आपने पलट के नहीं बोलना, आपने पलट के जवाब नहीं देना. क्यों? क्योंकि बेटा ये टॉलरेंस पलट के एक दिन आपकी तरफ आनी है. ये मैंने उसको सिखाया था. हाँ, जब अथॉरिटी आएगी फिर हम जरूर रोकेंगे. लाइक अब मेरे पास एक अथॉरिटी है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, बीइंग अ मदर मेरे पास अथॉरिटी, मैं अपने बच्चे को टॉलरेंस लेवल सिखा रही हूँ. तो बस ये चीज, ठीक है. तो दीज आर द थिंग. ही शुड नॉट सरेंडर बिफोर स्टेट और डिक्टेटर, रादर ही शुड इंस्टिल द टीचिंग ऑफ फ्रीडम. ठीक है, उसको, अब यहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ टीचर की बात करता है, उसको टीचिंग ऑफ, या फ्रीडम ऑफ टीचर, बेटा टीचिंग ऑफ फ्रीडम नहीं होगा यहाँ, फ्रीडम ऑफ टीचर कर लें. एंड टॉलरेंस टू प्रोड्यूस अ हेल्दी नेचर नेशन, और उसको टॉलरेंस प्रमोट करनी चाहिए टू प्रोड्यूस अ हेल्दी नेशन. ये जो हमारी नेशन है ना, ये या तो हमारे लीडर्स के हाथों में, हमारी टीचर्स के हाथों में, और हमारी माओ के हाथों में, ये तीन जो है ना, ये अगर एक हो जाए ना, हमारा इस वक्त, हमारी नेशन कहीं नहीं गई. जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरफेस है सारी, ठीक है. इस मिट्टी को सिर्फ नरम होने की देर है, फिर देखें ये कहाँ से कहाँ पहुंचती है. एनी क्वेश्चन क्लास?